जहाँ पहले से ही लाखों करोड़ों बच्चे हर रोज भूखे पेट सो रहे हों, केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरित कर रही हो, माँ बाप बेबस और लाचार होकर अपने बच्चों को इन टूटी फूटी सरकारी स्कूलों में भेज रहे हों, जहाँ गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध ही ना हो, जहाँ करोड़ों मरीजों का अस्पताल में इलाज के लिए दुर्दशा हो रहा हो, घंटों लाइनों में खड़े होना पड़ता हो, बेरोजगारी हुआ दर दर की ठोकरी खा रहा हो, अपने अधिकार के हक को मांगने के लिए उसे पुलिस की लाठियां सहना पड़ रहा हो, पहले से ही जहां करोड़ों लोग बेघर हों, एक माता पिता को इस परिस्थितियों में रहकर अपने बच्चों का परवरिश करना पड़ रहा हो, ठंड धूप बारिश को झेलती करोड़ों परिवार बेबस और असहाय महसूस कर रहे हों, क्या इन सब परिस्थितियों से बढ़कर CAA बिल लाकर भारत के पड़ोसी देश के माइनॉरिटीज को केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता सौंपना उचित है? क्या पहले उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय रोजगार मकान अनाज देना केंद्र सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।